कभी आपने ऐसे ही गौर किया है कि बच्चे हमेशा खुश क्यों रहते हैं? ऐसी क्या बात है कि हमेशा उनके अंदर एक्साइटमेंट और एंथुसियाज्म भरा रहता है किसी भी काम के लिए? आप अपने बचपन को ही देखें, उस समय आपके पास कोई पर्पस नहीं था, जिंदगी कोई परिभाषा नहीं थी, कोई पैशन नहीं था, मगर फिर भी हम जिंदगी जीने में खुश थे। और इन्हीं सारे मुद्दों के ऊपर 2020 की सोल मूवी अपनी कहानी कहती है, मीनिंग ऑफ लाइफ, पर्पस, पैशन, ऑब्सेशन, स्पार्क और जिंदगी जीने का तरीका। तो सबसे पहले सोल मूवी की इनर डीपर मीनिंग के बारे में जानने के लिए हमें थोड़ा सा सोल मूवी के बारे में भी जानने को होगा कि ये है क्या। कहानी शुरू होती है अपनी जो गार्डनर से, जो कि एक बहुत ही रेगुलर और बोरिंग जिंदगी जी रहा है। जिंदगी में बहुत कुछ अचीव तो करना चाहता है अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, मगर कर नहीं पाता क्योंकि भाई बिल्स तो भी पे करने हैं। इसीलिए अभी के तौर पे वो अपने न्यूयॉर्क शहर के एक स्कूल में एक म्यूजिक टीचर की तरह पढ़ा रहा है, जहां उसे फाइनली एक मौका मिलता है कि वो अपने सपना जी सके। क्योंकि उसका एक बहुत ही पुराना ड्रमर स्टूडेंट लेमन कर्ली बेकर उसे एक ऑफर देता है कि वो डोरोथी विलियम्स के रिस्पेक्टेड जैज बैंड का हिस्सा बन सके। अब भाई जो मना भी कैसे कर सकता है, ये अपॉर्चुनिटी उसके लिए ऐसी है जैसे कि लाइफ चेंजिंग मोमेंट हो। मगर उसकी जिंदगी तब पलट गई जब वो मर गया। वो अपने सपने के इतने करीब था, मगर फिर भी उसका सपना पूरा होते नहीं दिख रहा था। अब भाई जैसे वो मर गया, वो परलोक जाने लगा। अब आपने कहावत तो सुनी होगी, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, यही है द ग्रेट बियॉन्ड। लेकिन वो अपने करतूतों और हसल की वजह से जिंदगी के पहले आ जाता है, जिसे लोग ग्रेट बियॉन्ड का उल्टा द ग्रेट बिफोर कहते हैं। लेकिन मूवी से सिंपल भाषा में यू सेमिनार भी कहती है, जहाँ पे अनबॉर्न सोल्स अपनी अपनी पर्सनालिटीज पाते हैं, जिंदगी जीने का मकसद पाते हैं। अब जो वापस जिंदा होने की तलाश में, अपना सपना पूरा करने की तलाश में जो बन जाता है एक फर्जी का मेंटर, मतलब कि मेंटर्स क्या करते हैं कि अनबॉर्न सोल्स को उनके जिंदगी जीने का स्पार्क दिलाते हैं। अब वो चाहे उन्हें हॉल ऑफ एवरीथिंग से स्पार्क दिला दे कि जिंदगी जीने के लिए उन्हें क्या क्या चीजें इंस्पायर करती है, या फिर हॉल ऑफ यू से दिला दे जो उनकी जिंदगी का पर्सनल एक्सपीरियंस हो, कि उन्हें लगता हो कि उनकी जिंदगी इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है कि दूसरे को इंस्पायर कर सके। और इन्हीं सब मेंटोरिंग के बीच में जो को मिलती है सोल नंबर 22, जिसने हजारों सालों से अर्थ पे जाना स्किप कर दिया है। उसे अर्थ अनइंटरेस्टिंग, बोरिंग, स्ट्रेसफुल और हेक्टिक लगता है। वो अपने कम्फर्ट जोन से बाहर जाने ही नहीं चाहती, वो यहाँ पे खुश है। उसके बाद दोनों के बीच में काफी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, ड्रामा होता है, मगर मूवी के एंड आते आते उन्हें ये रियलाइज हो ही जाता है कि एक्चुअली में एक सोल होना होता क्या है। अब भाई देखो, मूवी अपने सब्जेक्ट को लेकर बहुत ही डीप जाती है, आपको लाइफ, उसकी मीनिंग और बिना पर्पस के जीने का भी क्या मतलब होता है ये भी सिखाती है। तो सबसे पहले ये हम शुरू करते हैं कि जब मूवी का पहला फ्रेम दिखता है तो बैकग्राउंड में ये लिखा है थिंग्स एंड व्हाट दे यूज्ड टू बी, जिसका मतलब है अब चीजें वैसा नहीं है जो हुआ करती थी। अब इस बात का मतलब आपको आगे समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद जब धीरे धीरे मूवी आगे स्टार्ट होती है, तो हमें ये समझ में आता है कि जो गार्डनर अपने सपनों के लिए स्ट्रगल कर रहा है, उसे स्कूल में फुल टाइम टीचर की नौकरी तो मिल जाती है, मगर वो अब भी अनसर्टेन है, मतलब कि वो खुश नहीं है, क्योंकि उसे अपनी जिंदगी के साथ कुछ और करना था। वो तो मजबूरी पढ़ा रहा है ना, उसका सपना तो जैज पियानिस्ट था। उसका पियानो से उसके लिए पैशन इतना करीब है कि इसके लिए वो सब कुछ छोड़ सकता है। यहाँ तक कि मूवी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन आता है, जहाँ पर वो ये बात कहता है, सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक वो जैज के बारे में ही सोचता है। अब भाई जैसे जो को पता है कि उसकी जिंदगी का पैशन क्या है, वो जब पियानो बजाता है तो उसमें खो सा जाता है, उसके जोन में चला जाता है, वो चीजें उसके दिल पे लगती हैं, जो उसके लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत फीलिंग है। वो ये चाहता भी है कि वो अपनी इस खूबी को दुनिया के बड़े लेवल पे दिखाए, ज्यादा से ज्यादा लोग उसके काम की सराहना करें, मगर जिंदगी का क्या ठिकाना। उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका मिलते ही उसे मौत भी मिलती है। अब वो भाई सोल वर्ल्ड में पहुंच चुका है, मगर उसे ग्रेट बियॉन्ड नहीं जाना, एटलीस्ट अपना सपना पूरा करे बगैर तो नहीं जाना। उसके बाद काफी सारे आगे लाइट हार्टेड कहानी चलती रहती है, वो एक्सप्लोर करता है, ये कोशिश करता है जानने की कि वो कहाँ आ गया, ये कैसे है, वगैरह वगैरह। और इन्हीं सारी बातों के बीच में उसकी मुलाकात होती है सोल नंबर 22 से, जो अर्थ जाना ही नहीं चाहती, उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, जो अपने तरीके से 22 को उसकी जिंदगी का स्पार्क दिलाने की कोशिश करता है ताकि वो यहाँ से निकल सके। और इन्हीं सब प्रोसेस के दौरान उसे पूरी जिंदगी एक साथ दिखती है कि उसने जिंदगी भर किया क्या। और कसम से जब वो ये लाइन बोलता है, माय लाइफ वाज मीनिंगलेस, ये बात दिल पे लग जाती है, क्योंकि वो अपने सपनों के पीछे इतना अंधा हो चुका था जिंदगी भर कि उसने जिंदगी जी ही नहीं। और फिर उसके बाद जब उसकी मुलाकात मूनमिन से होती है, जो कि एक स्पिरिचुअल साइंस थ्रिलर है, जो लॉस्ट सोल्स को उनका रास्ता दिखाता है, मतलब कि इजी वे में समझो कि तुम्हें पता है कि तुम्हारा पैशन क्या है, तुम ये काम दिल से अच्छा लगता है, मगर तुम अपने पैशन के पीछे इतने ऑब्सेस्ड हो चुके हो कि अब तुम बाकी जिंदगी जीना ही भूल चुके हो। वो अपने काम में दिल से खो जाना एक अच्छी बात होती है, इससे बात पता चलता है कि तुम अपने काम से कितना दिल से चाहते हो उसे, मगर अपने पैशन को ऑब्सेशन बना लेना, बाकी लाइफ से डिस्कनेक्टेड हो जाना, जिंदगी जीना ही भूल जाना, काफी ही डिप्रेसिंग लाइफ होती है। ठीक जैसे ये मैं आगे एग्जांपल पता चलता है कि जब एक हेज फंड मैनेजर को पता चलता है कि आखिर में वो कर क्या रहा अपनी लाइफ के साथ, उसे ये बात रियलाइज हो चुकी है, मगर फिर भी एक सेकंड वीडियो पॉज करके सोचो कि तुम अपनी लाइफ के साथ क्या कर रहे हो।
अब भाई ये भी बात हो सकती है कि तुम्हें पता हो कि तुम्हें लाइफ में आगे करना क्या है, मगर तुम्हारे हालात तुम्हें ऐसे सब करने से रोक रहे हैं। और ये बात कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हें में लाइफ का पर्पस चेंज कर लो, खुश ना रहो, क्योंकि मूवी का एक बहुत ही खूबसूरत सीन आता है जहां जो और टोंटू टू इमरजेंसी में अपने बार्बर डेस्क के पास जाते हैं ताकि वो अपना हेयर कट ठीक करा सके। और उसी बीच में डेस्क भी अपनी जिंदगी के बारे में बताता है कि उसे तो कभी बार्बर बनना ही नहीं था, उसे तो वेटरिनेरियन बनना था, मतलब कि जो इंजर्ड जानवरों को ठीक करता है। मगर उसके फैमिली के हालात कभी ऐसे बन ही नहीं पाए कि वो वेटरिनेरियन सीख पाए, और इसीलिए वो बार्बर बन गया। और ऐसी कोई बात नहीं है कि वो खुश नहीं है, वो ये बात बोलता भी है, वो अपने काम से और जिंदगी से खुश है। और जिंदगी जीने के लिए आपको चाहिए ही क्या, हो सकता है कि तुमने एक गलत पाथ चुन लिया हो, मैंने भी चुना था। फिर सोचोगे कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे एक्चुअली में पसंद क्या है, क्या हो अगर मैं फिर से कोई गलत रास्ता चुन लूं और जिंदगी भर से फंस के रह जाऊं। तो इसका एक सिंपल आंसर है, जस्ट कीप ट्राइंग डिफरेंट डिफरेंट थिंग, क्योंकि जब तक आप अलग अलग तरीके का खाना ट्राई नहीं करोगे तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि भाई बिरयानी भी अच्छी होती है। लोग कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, समटाइम्स चेंज इज गुड। अब जो के साथ इधर मसला क्या है कि अपने जैज में वो इतना खो चुका है कि उसने बाकी की जिंदगी जी ही नहीं, इसीलिए वो यहाँ भूलता भी है, माई लाइफ वॉज मीनिंगलेस। फिर जब जो और 22 सबवे ट्रेन में दिखते हैं तो जो 22 को डेली बोरिंग लाइफ के बारे में समझाता है कि लोगों को अपने काम में कोई एंथुसियाज्म है ही नहीं। फिर उसके बाद जो अपनी माँ के टेलरिंग शॉप पे जाता है अपना सूट ठीक करवाने के लिए, तो काफी सीरियस टॉक वहाँ पे होती है। जो ये बात समझाता है कि उसकी माँ उसके काम के बारे में, उसके पैशन के बारे में कभी समझती ही नहीं है। उसे अपनी लाइफ के साथ, उसके अपने पैशन के साथ कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है, मगर उसकी माँ क्या चाहती है कि उसके बेटे का रेगुलर परमानेंट जॉब हो, उसे एक इंश्योरेंस मिले, उसके पास सोशल सिक्योरिटी हो और अच्छे पैसे मिले। उसकी माँ अपने बेटे से म्यूजिक नहीं छीनना चाहती, लेकिन वो ये नहीं चाहती कि जो कुछ उसके फादर ने झेला, जो स्ट्रगल्स उसके फैमिली ने झेले, वो ना करे। क्योंकि भाई सीधी सी बात है कि कोई माँ बाप नहीं चाहता कि उनका बच्चा जिंदगी में पैसों के लिए परेशान रहे, मगर जो के लिए पैसों से ज्यादा उसका पैशन जरूरी है। वो समझता है कि मेरी माँ कभी ये बात नहीं समझती कि जिंदगी में वो करना क्या चाहता है, मगर एक्चुअली में उसकी माँ उससे ज्यादा जानती है, क्योंकि जो का फादर भी एक स्ट्रगलिंग म्यूजिशियन था, वो म्यूजिक से अपना घर नहीं चला पाया, इसीलिए उसकी वाइफ को ये काम करना पड़ा। और फिर से वही सारी चीजें वो अपने बेटे में नहीं देखना चाहती, जो स्ट्रगल्स उसके परिवार ने झेले थे उसके पैशन के लिए, वो अपने बेटे के साथ ये सब नहीं देखना चाहती। मगर फिर उसके बेटे का भी कहना सही है, वो अपनी माँ से कहता भी है, ये मेरी कोई करियर की बात नहीं है, इट्स माई रीजन फॉर लिविंग, मुझे डर है कि अगर मैं आज ही मर गया तो मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं बनेगा। और भाई कसम से ये मेरी जिंदगी की अभी तक सबसे भारी वर्ड्स थे। और यहाँ क्या आपने दोनों कैरेक्टर्स की फ्रेमिंग पोजीशन पे ध्यान दिया, जो कि माँ ब्राइट लाइट में खड़ी है क्योंकि उसने अपने काम को पसंद किया, अपने पर्पस को पसंद किया, वो अपनी जिंदगी के साथ खुश है। और ठीक उसी की उल्टी जगह उसका बेटा जो डार्क और डिम कॉर्नर में खड़ा है, जिंदगी में कोई वाइब्रेंसी नहीं क्योंकि इसने कभी जिंदगी जी ही नहीं। मगर फिर भी इतना सब कुछ दिखाने के बाद भी कितना मोरली डीप जाती है मूवी। अब बिना पर्पस के भी जिंदगी जी जा सकती है, जैसे ठीक 22 जीती है। उसे खाना पसंद है, चलना पसंद है, लोगों से बात करना पसंद है, आसमान देखना पसंद है, चीजों को एक्सप्लोर करना पसंद है, क्योंकि 22 को असली खुशी तब मिली जब उसने पहली बार पिज्जा टेस्ट किया, क्योंकि इससे अच्छी चीज उसने कभी भी एक्सप्लोर ही नहीं की थी अपनी जिंदगी में। उसे धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि बिना पर्पस के भी जिंदगी जी जा सकती है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह निर्भर करती है कि आपको अपनी जिंदगी कैसे जी रहे हो। आपको नहीं पता कि आपका पैशन क्या है, या फिर उम्र के साथ आपका इंटरेस्ट चेंज हो जाए, आपको अभी कुछ और पसंद है कल को कुछ और होगा। मगर ये भी बात ध्यान देना, अपने पैशन के अलावा आपको जिंदगी जीने के लिए मिली है। अपनी सेहत पे ध्यान दो, अपने मेंटर को चुनो, नई नई चीजें ट्राई करो, प्यार करो, काफी कुछ चीजें करने को, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी को इंटरेस्टिंग बनाना और बोर करना तुम्हारे हाथ में है। क्या हुआ अपने काम में फेल हो गए, सब होते हैं, हमेशा सक्सेस पार्टी होती है, किसी दिन फेलियर पार्टी भी रखो, लेकिन अपनी जिंदगी एंजॉय करो। कोई लड़की तुम्हें देख के हंस दे, घर पे तुम्हारा फेवरेट खाना बन जाए, या तुम्हें कोई डाडी क्यों ना दे, यही तो तुम्हारी जिंदगी है। छोटे बड़े लम्हों के साथ ही तो हम जीते हैं, क्योंकि 22 को अपनी जिंदगी का स्पार्क मिलने के बाद भी उसे लगता रहता था कि वो जीने लायक ही नहीं है, इसीलिए वो दुनिया से डिस्कनेक्टेड हो गई। लेकिन एक्चुअली में वो जीने के लायक तो हमेशा से तैयार थी, ये बात उसके अंदर थी, बस कभी कभी हमें दूसरों की हेल्प लेनी पड़ जाती है। अब भाई लोग परेशानियां तो आपके साथ रहेंगी ही, लेकिन लाइफ इज मेंट टू बी सेलिब्रेटेड, लोगों से कनेक्ट करना ही तो जिंदगी में चेंज लाता है। और ये बात कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा जिंदगी का कोई मतलब ही मिले आपको, क्योंकि आपकी जिंदगी जीने का तरीका ही आपकी जिंदगी के मतलब को समझाता है। तो इन्हीं सारी बातों के साथ अभी के लिए इस मूवी के बारे में हम यहीं तक रहने देते हैं। वैसे तो मूवी में बस थोड़े बहुत और फ्लॉज हैं, लेकिन मूवी एक लार्जर ग्रुप ऑफ पीपल की फीलिंग्स एक साथ दिखाती है और काफी अंदर तक आपको लेके जाती है और जिंदगी के बारे में सोचने के लिए मजबूर कर देती है। तो भाई आप अपने अपने आउटलुक जरूर बताइएगा इस मूवी के बारे में कि आप क्या सोचते हैं, आप क्या स्टैंड पॉइंट लेते हैं, आपको क्या फील हुआ इस खूबसूरत मूवी को देख के। कमेंट्स में अपने बिलीव्स मुझे जरूर बताइएगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। और इसके अलावा अगर आपको स्टेडियम देखे कुछ भी अच्छा लगा, खुशी या मजा आया, तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी नए आ गए हो तो सब्सक्राइब तो मार देना इस चैनल को, और अगर वीडियो ज्यादा ही अच्छी लग गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और देखते रहिए।